العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه. مشکات شریف کی کتاب البیع کا باب الربا چل رہا ہے جس میں ربا سے متعلق حدیثیں آ رہی ہیں. الفصل الاول کے تحت یہ چھٹے نمبر کی حدیث ہے جس میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وعن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی ہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی آتے تو حضرت عمر اس قابل تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی بناتے, لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اللہ کے رسول آخری نبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالک ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو اس لیے حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ان کی فضیلت کو بتلاتا ہے. قال, ان سے مروی ہے, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذهب بالذهب یباع الذهب بالذهب, سونا بیچا جائے گا سونے کے بدلے میں, سونے کے بدلے میں بیچنا ربن سود کہلائے گا. ربن سود ہے. کیسے سود ہے؟ بڑھا کر کے دے دیا تو سود ہے, اور بڑھا کر کے نہیں دیا, ادھار دیا تب بھی سود ہے. الا ہا و ہا, اس کے معنی ہیں مگر قبضہ کر لیا جائے, اس کا لے لیا جائے ہاتھ در ہاتھ. یہ ہا جو ہے یہ اسم فعل ہے خز کے معنی میں. ہا خز, ہا خز. کبھی کبھی کاف بھی اس کے آخر میں آتا ہے, ہا کا اور ہا کا. ہا یہ مذکر کے لیے ہے, لو لے لو خز, اور ہا مونس کے لیے ہے, خزی لے لو. ہا و ہا لے لو. اور ہا او کم, ہا امک, ہا ام میم کے اضافے کے ساتھ بھی آتا ہے. ہا ام خزو کے معنی. تو یہ اسم فعل ہے گویا کہ ہا ا ہا ای اور ہا ام
हाउमा हाउल ये सब इस्तेमाल होता है, मगर ये कि हाथ दर हाथ हो तो जायज है, बराबर सराबर हो और हाथ दर हाथ हो सोना सोने की बदले। वल वरिक बिल वरिक रिबन और चांदी चांदी के बदले में सूद है, बढ़ा करके अगर दिया चांदी दिया अंगूठी एक तोला की और लिया कंगन डेढ़ तोले का, तो ये जो बढ़ गया वरिक बिल वरिक ये जो बढ़ गया रिबन उतना जो है आधा तोला ये क्या है रिबन सूद है। और अगर बराबर बराबर ही हो लेकिन जगह छोड़ दे अंगूठी दे दिया और कल को आकर के कंगन ले लेंगे तो ये क्या है ये भी सूद है उधार। इल्ला हा अवहा मगर ले लो और ले लो, हा इस्म फेल है खुज के माना मगर खुज व हा खुज यानी मकबूजीना मकबूजीनी दोनों तरफ से कब्जा कर लिया जाए, यदम भी यदिन के माना में है और ये इस्म फेल है हा आ मुजक्कर के लिए हा ई मुअन्नस के लिए। हा उम इक्रा लो इक्रा मीम भी उसमें आता है। वल बुर्र बिल बुर्री रिबन और गेहूं गेहूं के बदले सूद है, एक किलो गेहूं अच्छा वाला और डेढ़ किलो गेहूं खराब वाला दे दिया तो ये जो आधा किलो है रेबन यही सूद है। इल्ला और अगर बराबर बराबर दिया लेकिन जगह छोड़ करके चला है तब भी सूद है। इल्ला हा वहा मगर दस्त बदस्त हो तो फिर बराबर सराबर हो दस्त बदस्त हो तो सूद नहीं है। वश्शईरु बिश्शईरि रिबन और जौ जौ के बदले सूद है, जौ दिया एक किलो लिया डेढ़ किलो ये जो बढ़ गया इसी का नाम है ज़ाती और यही क्या है सूद है। इल्ला हा अवहा मगर बराबर बराबर दिया और जगह छोड़ दिया, आज दिया एक किलो कल को लिया एक किलो तो ये भी सूद है। इल्ला हा अवहा मगर बराबर बराबर भी हो और हाथ दर हाथ हो तो सूद नहीं है। वत्तमरु बित्तमरी रिबन और खजूर खजूर के बदले में लेना ज्यादा करके रिबन सूद है, डेढ़ किलो एक किलो के बदले खराब वाली डेढ़ किलो दे दिया अच्छी वाली एक किलो ले लिया तो ये क्या है सूद है। और अगर बराबर बराबर हो तो भी सूद है अगर जगह छोड़ दिया अभी दे दिया कल को फिर जो है अच्छी वाली मैं लाऊंगा मालेगांव से तो फिर ले लेना। ये जो दिया उसके बाद एक किलो लिया तो वो जो फेल है वो जो लेना है यानी आधा किलो खजूर यही क्या है रिबन सूद है, उसने सूद लिया और हमने सूद दिया तो लेने और देने वाले दोनों आकिल और मुकिल खिलाने वाला और खाने वाला दोनों सूद में शरीक। इल्ला हा अवहा तो मंगा के देगा तो भी सूद हो जाएगा मगर यदम भी यदिन हो हा अवहा खुज व खुज तुम लो और तुम लो, इधर दिया हमने ले लिया उधर दिया उसने ले लिया हा आ वहा। मुत्तफ़क़ुन अलैह बुखारी और मुस्लिम ने इस पर इत्तेफाक किया है। तो एक अज़हबु वलवरिक दो बुर तीन शईर चार तमर पांच और मिल्ह छह चीज़ों में सूद को बयान किया है। इसके अलावा चीज़ों में सूद है कि नहीं है तो उसके लिए मुज्तहिदीने किराम और अइमा फ़िक्ह ने इल्लत निकाली है कि इसमें देखिए अज़हबु बिज़हबी तो सोना जो सोना हो आजकल उसमें सूद तो रहेगा ही और चांदी चांदी और सोने में सूद रहेगा ही, चांदी और सोने का जेवर जो है उसमें सूद रहेगा। लेकिन अलबुर्र बिलबुर्र गेहूं गेहूं ही तो नहीं होता, और भी चीज़ें हैं चार चीज़ें ये हुई इसके अलावा तो ये क्या है अलबुर्र खाने वाली चीज़ है, अश्शईर ये भी खाने वाली चीज़ है,
तमर भी खाने वाली चीज़ है, मिल्ह भी खाने वाली चीज़ है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्लत निकाली, कूत इख्तियार, ग़िज़ा हासिल करना। तो जिस चीज़ से ग़िज़ा हासिल की जाए वो सब इसमें आ जाएगा। मिसाल के तौर पे कद्दू, तो एक किलो कद्दू, एक किलो कद्दू के बदले में बेच सकते हैं। डेढ़ किलो कद्दू के बदले में बेचेगा तो वो डेढ़ किलो क्या होगा, कद्दू का यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन वो आधा किलो क्या होगा, सूद हो जाएगा। क्योंकि इख्तियात है, ये खाने वाली ऐसी से निकाला है कि खाने वाली चीज़ है, लिहाजा खाने वाली चीज़ है तो जो भी खाने वाली चीज़ है, क्या पपैया बिक रहा है, खाने वाली चीज़ है पपैया, खाने वाली चीज़, तो जो भी खाने वाली चीज़ है इख्तियार वो इसमें आ जाएगी। पपैया के बदले में एक किलो के बदले में बेचिए, लेकिन डेढ़ किलो तो वो आधा क्या होगा, सूद हो जाएगा। सब्जियों में कोई भी सब्जी जो खाने वाली है, हरी मिर्च, हरी मिर्च के बदले एक किलो के बदले बेच सकते हैं, यदम भी यदम, लेकिन बढ़ाया तो यही खाने वाली चीज़ है, इख्तियात उनके यहाँ ये इल्लत है। तो यही से निकाला है इल्लत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये इल्लत है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ से इल्लत निकाला, अलबुर्र बिलबुर्र, ये खाने वाली चीज़ तो है लेकिन रख दे तो जल्दी सड़े नहीं, सब्जियों की तरह। तो इख्तियात और इद्दिखार, ये दो इल्लत पाई जाएगी तब उसमें क्या होगा, सूद होगा। लिहाजा सब्जी, सब्जी तो जल्दी से सड़ जाती है, गेहूं की बनस्बत क्या है, जल्दी सड़ जाती है, लिहाजा उनके यहाँ सब्जियों में सूद नहीं है। लिहाजा एक किलो कद्दू दे करके, लौकी दे करके दूधी डेढ़ किलो ले सकते हैं इमाम मालिक के यहाँ। क्यों? इसलिए कि सब्जियों में उनके यहाँ वो नहीं है, सूद नहीं है, क्योंकि वो उसके तहत है ही नहीं, इद्दिखार होगा ही नहीं, ज़खीरा अंदोजी उसकी होगी नहीं। अंबानी वगैरह अलग हैं, वो ज़खीरा अंदोजी करने के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये कि आम तौर पे ये ऐसे खुले खुली फिजा में रख दी जाए तो वो ख़राब होने वाली चीज़ है, ख़राब हो जाएगी। गेहूँ वगैरह रहता है, बाकी रहता है। तो ये उन्होंने इल्लत निकाली। और अहनाफ ने क्या इल्लत निकाली, जहब भी जहब, वरक बिन वरक तो सबके यहाँ है, लेकिन अहनाफ ने ये देखा कि अलबुर्र बिलरुर, ये जो है तौल करके बिकता है या नाप करके बिकता है, शईर जो तौल करके या नाप करके बिकता है, और अत्तमर ये क्या है, तौल करके या नाप करके बिकने वाली चीज़ है, नमक तौल करके या नाप करके बिकने वाली चीज़ है। तो जो चीज़ तौल कर नाप कर बिके उसी को कहते हैं मकील और मौजून, और मकील और मौजून के लिए एक लफ्ज़ बनाया कदर। तो कदर बनाया और इसमें देखा कि अल्लाह के रसूल ने आमने सामने अलबुर्र बिलबुर्र कहा, तो जिन्स एक जिन्स, ये दो चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे वहाँ पे सूद होगा। ये चार चीज़ें और ये दो चीज़ें छोड़ करके और भी कोई भी चीज़ देख लीजिए, तो उसमें क्या है, चना है, चना का तो इसमें जिक्र है नहीं, तो चना चने के बदले में, तो अब चना कैसे बिकता है, तौल करके बिकता है या वजन करके बिकता है, तो अब ये क्या हो गया, कद्र हो गई, जैसे इसमें कद्र पाई गई, और दूसरे चना चना जींस भी पाई गई, जैसा अब इसमें दोनों चीज़ें रहेंगी, क्या दोनों चीज़ें ज़रूरी रहेंगी, बराबर बराबर हो और यदम भेदे हो। अब उसमें बराबर बराबर नहीं है, एक किलो चने में डेढ़ किलो चने के बाद मतलब आधा किलो सूद हो गया, और ये बराबर बराबर ही है, लेकिन अभी चना दिया एक किलो, कल चना ले रहे एक किलो, तो ये भी क्या हो जाएगा, यदम भेदन के खिलाफ, तो ये सूद हो जाएगा। यहाँ दोनों चीज़ें पाई जाएंगी, कद्र और जींस, लेकिन अगर इनमें से एक चीज़ पाई जाए, चाहे कदर पाई जाए या जिंस पाई जाए, तो फिर जो है इजाफा तो जायज़ हो जाएगा, उधार जायज़ नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे गेहूं है और चना है, हमने आपको गेहूं दिया और आपसे चना लिया, तो क्या हो गया, कदर तो है क्योंकि दोनों वजनी चीज़ है, लेकिन ये गेहूं वो चना जिंस अलग है, तो जिंस अलग होने की वजह से अब क्या है, उधार नाजायज़ है और ज्यादती जायज़ है। लिहाजा अगर हम आपको चना दें एक किलो और गेहूँ ले लें डेढ़ किलो, तो ये जायज़ है, लेकिन यदम बेदम होना चाहिए, अभी होना चाहिए। तो इसमें क्या पाएगी, कदर पाएगी, जिंस नहीं पाएगी, और इसी का उल्टा, जिंस पाई जाए कदर ना पाई जाए। मिसाल के तौर पे कपड़ा है, एक मीटर कपड़ा डेढ़ मीटर कपड़े के बदले में,
तो इसमें क्या है, एक चीज पाई गई, जींस कपड़ा कपड़ा, लेकिन कदर तौल करके वजन करके, अगर जब सारे कपड़े ऐसे बिकने लगे हैं, लेकिन उमूम का एतबार होगा आम तौर पर कहे तो, जो खटा जो है फटा वटा रहता है, पुराना रहता है, जो ज्यादा नहीं, वो कैसे भी निकाल देते हैं, लेकिन आम उर्फ का, उर्फ आम का एतबार होगा तो गोया की कदर नहीं पड़ेगी, कैल करके वजन करके नहीं बिकता, कैसे नाप करके बिकता है, कदर नहीं पाएगी, जींस पाएगी। तो जब एक चीज पाई जाए तो क्या होगा, ज्यादती जायज होगा उधार जायज, ज्यादती जायज होगी उधार जायज नहीं होगा। लिहाजा अगर एक मीटर कपड़ा दो मीटर कपड़े के एवज में देना चाहते हैं तो फौरन दे सकते हैं, उधार नहीं दे सकते। और अगर दोनों ना पाई जाए, कदर भी ना पाई जाए, जींस भी ना पाई जाए, तो सब जायज है। मिसाल के तौर पर कदर कैसे, लोहा, लोहा तौल करके बिकता है, लेकिन इधर पैसा, तो दोनों कदर है नहीं, पैसा थोड़ी तौल के बेचते हैं, ये तो सब पैसा चला जाएगा, तो कदर भी नहीं पाएगी और जींस भी नहीं पाएगी। लिहाजा चाहे जितने में खरीदी और चाहे जितने में बेचिए, एक किलो हम कितने में बेचेंगे लोहा, एक 10,000 रुपये, चाहे जितने में बेचिए। यहाँ पे अब कदर और जींस दोनों नहीं पाई गई तो दोनों जायज है, ज्यादती भी जायज है और उधार भी जायज है। और कदर जींस दोनों पाया जाए तो फिर न ज्यादती जायज है न उधार जायज है, और कदर और जींस में से कोई एक पाया जाए तो फिर ज्यादती जायज है, उधार जायज नहीं है। अच्छी तरीके से इसको फिर से दोहरा करके दिमाग में समझ लीजिएगा। इसलिए मैंने कहा कि इसी हदीस के जिम्मे में यहाँ पे मैं कह दूं, ताकि आगे भी इसी तरह की हदीस आएगी तो इसी को वहां रिवाइज कर सकते हैं। وعن ابي سعيد وابي هريره حضرت ابو سعيد خدري رضي الله عنه اور حضرت ابو هريره رضي الله عنه ان دونوں حضرات صحابہ سے منقول ہے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے استعمل رجلا على خيبر خيبر کے اوپر एक आदमी को गवर्नर मुकर्रर किया, गवर्नर मुकर्रर करके भेजा, वो चले भी गए, वहाँ पहुँच गए खैबर, अपना चार्ज संभाल लिया, वहाँ रहे और उसके बाद अपना चार्ज संभाल लिया, फिर कुछ दिनों के बाद आए मदीना हुजूर के पास, फजाअहू, तो आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ दिनों के बाद, फाताकिन माल वसल के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि रास्ते से वापस आ गए, ताकिन माल वसल वहां पहुंचे, पहुंच करके थोड़ा रहे, दो चार साल के बाद आए, तब सुम्मा आएगा, सुम्मा जाओ, एक आध हफ्ता एक आध महीना रहे, फजा तो आ गए, तो ताकिन माल वसल हर जगह के लिए अलग अलग रहता है, वजीफा लेने के लिए अलग रहता, फौरन लिया तो वहां पे फा फजा उसने लिया, फिर फौरन मैंने ले लिया, फजाअहू, तो वो आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने खैबर से, बितमरिन जनीबिन, बितमरिन जनीबिन, उम्दा खजूर लेकर, बितमरिन जनीबिन, उम्दा खजूर लेकर के आए, जनीब के माने जयीद, उम्दा खजूर लेकर आए। अब जाहिर सी बात है, उम्दा खजूर लेकर आए तो उम्दा कहाँ से मिली, कैसे लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ की इंक्वायरी रखते हैं, आपको शरीयत पेश करना है, बताना है, तो आपने घर से सवाल कर लिया कि ये उम्दा खजूर कहाँ से पाए, पूरे खैबर में ऐसी ही शानदार शानदार खजूरें होती हैं, आपने पूछा, फ़क़ाल अकुल्लु तमरी खैबर हकज़ा, क्या खैबर की तमाम खजूरें इसी तरह अच्छी होती हैं, जनीब होती हैं, अकुल्लु तमरी खैबर मुक्तदा हाकदा खबर, हमजा इस्तेफाम का, क्या खैबर की तमाम खजूरें, तमरुन जमा वाहिद तमरतुन, खैबर की तमाम खजूरें इसी तरह होती हैं, लाए होंगे तो तमरुन जमा है, ज्यादा लाए होंगे, गवर्नर है ना, ज्यादा लाए होंगे, काला, तो गवर्नर ने जवाब दिया, ला वल्लाही, नहीं, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल,
सब खजूरें ऐसी नहीं होती, सब खजूरें ऐसी नहीं होती। इन्ना लना खुदुस्सा, सहाबा कितने सच्चे पक्के थे, कितने सादिक थे और कितने रास्तबाज थे, अमानतदार थे, जैसा जो मामला करते थे ठीक ठाक बतला देते थे। आजकल 3-5 का ज़माना है, तो आजकल के ज़माने के एतबार से सहाबा को आजकल के पैमाने में आंकना ये मौलाना सलमान हुसैनी ही का काम है कि आजकल के पैमाने में नापने लगते हैं। हम सहाबा को नंबर देंगे, सहाबा हमको नंबर देंगे, हम सहाबा को नंबर दे रहे हैं कि ये 80 नंबर के, तुम तो 0 नंबर के हो। सहाबा को हम नंबर दें, वो तो बहुत बड़े लोग हैं। जैसे उस्तादों का इम्तिहान बच्चा अरबी अव्वल कर लेने लगे और नंबर देने लगे, तो ऐसे ही है सहाबा को नंबर देने वाले। तो ये बड़े सच्चे लोग थे, उनकी एक एक चीज जो है अल्लाह को पसंद है, इसलिए अल्लाह ने रज़ियल्लाहु राजी हो चुका माजी यकीन के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि क़यामत में राजी रहेगा फिर जन्नत दे देगा। रज़िया फ़िल माजी तयक़ुन का सेगा इस्तेमाल किया, सर्टिफाइड कर दिया उसी ज़माने में, और अभी ये राजी नहीं हो रहे हैं ये लोग जो शिया हजरत हैं और शियों के जो है दुम छल्ले लोग, राजी नहीं हो रहे हैं। इन्ना लना खुदुस्सा बता दिए उन्होंने, सहाबी थे कह रहे हैं इन्ना लना खुदुस्सा, बेशक हम ले लेते हैं यकीनन एक सा मिनहाजा तमर खजूर में से, बिस्सा आईनी दो सा के वज में, दो खराब खजूर, दो सा खराब खजूरें रहती हैं वो दे देते हैं, पर एक सा ले लेते हैं, इसमें कोई कबाहत तो लगती नहीं, खराब थी उसको दे दिया, एक सा ले लिया। वह सा आईनी बिस्सला थी, और दो सा खजूरें दे देते हैं, तीन ले लेते हैं। ना खुदू अस्सा आईनी अर्रजुलैनी मफूल भी है अस्सा आईनी, और दो सा खजूरें ले लेते हैं, बिस्सलाती तीन सा दे करके बता दिए उन्होंने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, कैसे आप बताते हैं, कितने शानदार अंदाज में बताते हैं। यानी कि हंगामा खड़ा कर दिया जाता है आजकल किसी चीज़ को बताने, अरे ये तुमने ऐसा कहा, अल्लाह के रसूल ला तफाल फ़काल ला तफाल, ऐसा ना करो ये ठीक नहीं है, अल्लाह की नज़र में तो सूद हो जा रहा है। फिर क्या करें, मसला बता करके उसकी जो है शक्ल भी बताना चाहिए कि ये आप इस तरह अमल ना कीजिए, इसकी ये शक्ल है जायज़ की, तब जो है हम पूरा हल पेश करने वाले होंगे, ला तफाल ऐसा ना करो। फिर क्या करें, बिल अल जमा खराब खजूरों को जमा करके, अल मजमू के माना में है, खराब खजूरों को जमा करके मजमूआ बेच दो, बिद्दराही में दिरहम पैसे के बदले में, अब ये खजूर है इतना 5 किलो तुमने बेच दिया, कितने 50 रुपये 50 दिरहम में बेच दिया, अब ये 50 दिरहम में 1 किलो बिक रही है, तो मबता विद्दराही में, फिर ये 50 दिरहम के एवज में, मिसाल के तौर पे 50 दिरहम, फिर खरीद लो दिरहमों के एवज में जनीबन उमदा खजूर, एक सान जनीबन, एक सा उमदा खजूर खरीदो, तमरन जनीबन खरीदो जितना भी मिलती हो, ये पैसा उसके एवज में होना चाहिए, शय उसके एवज में नहीं होना चाहिए। क्या हिकमत है, अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह ने इस तरीके से बताया है कि इस तरीके से आगे चल करके बहुत बड़ा फसाद बरपा हो सकता है, इसलिए पैसे को एवज में रखा करो। वकाला और फरमाया, फिल मीज़ानी मिथ्लु ज़ालिका, वजन की हुई चीज में भी इसी तरीके से है, ये नाप करके बताया, सा नापने वाली चीज है और फिल मीज़ानी ऐ फिल मौज़ूनी वजन की हुई चीज में, या फी अशियाइल मीज़ानी और तराजू में आने वाली चीजों में, फी अशियाइल मीज़ानी मिथ्लु ज़ालिका इफ़अल मिथ्लु ज़ालिका इसी तरह करो। तो यहां अशिया मज़ाब पोशीदा होगा तो इजाज बिल हज़्फ़ कहलाएगा, वो आपने वजनी और कैली दोनों चीजें बता दिया, वो कैली चीज है नाप करके, तो नापने वाले में भी इसी तरह है और इसी तरह वजन वाले में भी है। अगर वजन करके देना है तो खजूरों को वजन करके दिरहम से दीनार से बेच दो, और उसके बाद जो पैसा आया उस पैसे में अच्छी खजूर खरीद लो। मिसला दाली के अल्लाह के रसूल ने हल बताया, लिहाजा मसला बयान करने का तरीका यही है कि हल भी बताया जाए। मुत्तफ़क़ुन अलैह बुखारी और मुस्लिम ने इस पर इत्तेफाक़ किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम, لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.